अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर वसीम अहमद खान। मैं इस वक्त पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात और चित्राल, बल्कि अपर चित्राल के बिल्कुल टॉप एरिया में मौजूद हूं, ऊपर वाले इलाके में मौजूद हूं। और मेरे पीछे जो आप ये बर्फ़ पोश पहाड़ी सिलसिला देख रहे हैं वो भी, और जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये है कोहे हिंदू कश। तो पीछे थोड़े फासले पे जो तिरचमीर चोटी है वो भी नज़र आ रही है। यहाँ पे इस वक्त -14 टेम्परेचर है, -14 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये 12,500 फुट की बुलंदी है। यहाँ पे हम लोग एक वाइल्ड लाइफ का सर्वे करने के लिए आए हुए हैं, मेरी टीम मेरे साथ है। तो यहाँ पे इस हैबिटेट में हमें जो हिमालयन आईबैक्स है वो मिलता है, और उसका जो प्रेडेटर है स्नो लेपर्ड वो भी मिलता है, ग्रे वुल्फ भी यहाँ पे पाया जाता है। और अगर रैप्टर्स में बात करें, जो शिकार करके खाने वाले परिंदे हैं, जो शिकारी परिंदे हैं, उनमें ख़ास तौर पे गोल्डन ईगल है, और जो माइग्रेटरी सेकर फैल्कन और पेरिजरीन फैल्कन शाहीन जिसको बोलते हैं, वो भी यहाँ माइग्रेट करके यहाँ से गुजरते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो कितना खूबसूरत और दिलकश नज़ारा है, हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। तो बर्फ के हवाले से मैं एक चीज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो ये अगर आप बर्फ देखें तो ये छोटे 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 क्रिस्टल बने हुए हैं बर्फ के। अगर इनको माइक्रोस्कोप में देखें तो हमें स्नो फ्लेक्स नजर आ जाते हैं, स्नो फ्लेक्स, यानी कि इसका जो छोटे से छोटा बर्फ का जो यूनिट है इन इलाकों में जहाँ पे स्नोफॉल होती है, स्नो फ्लेक्स उसको कहते हैं। और ये कुदरत का ऐसा एक शाहकार है कि अक्ल दंग रह जाती है। ये स्नो फ्लेक्स बनते हैं, कोई भी न्यूक्लियस हो, कोई पोलन हो, कोई भी डस्ट पार्टिकल हो, तो उसके गिर्द वाटर मॉलिक्यूल जो ड्रॉपलेट्स हैं वो जमा होना शुरू होते हैं, और जो स्नो फ्लेक्स है वो उसकी जो शेप है, जैसे सितारा 5 कोने वाला होता है, ये स्नो फ्लेक हमेशा 6 कोने वाला होता है। और जो अजीब बात है कि ये जो स्नो फ्लेक्स है, अगर हम अलास्का की बात करें, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें, तो वहां पर सेकेंड 10 ट्रिलियन स्नो फ्लेक्स जो है वो एक सेकंड में गिर रहे होते हैं पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और ये 6 महीने तक मुसलसल बर्फबारी होती रहती है, और एक सेकंड में कितने गिर रहे हैं, 6 महीने में कितने गिर रहे हैं। और अलास्का जो है पूरी दुनिया में जहां बर्फबारी होती है उसका 5 से 10% एरिया बनता है। तो अंदाजा लगा लें कि दुनिया में कितने स्नोफ्लेक्स गिर रहे होंगे। और ये दुनिया में एक जो कैलकुलेशन की गई है साइंसदानों ने कि 10 करोड़ साल से ये बर्फ गिर रही है, 10 करोड़ साल से स्नोफ्लेक्स गिर रहे हैं, बन रहे हैं, गिर रहे हैं। लेकिन मजे की बात यह है, हैरत की बात यह है, कुदरत का करिश्मा यह है कि कोई भी स्नो फ्लेक जो है वो एक की शक्ल दूसरे से नहीं मिलती, यानी इतनी ज्यादा तादाद के बावजूद भी एक स्नो फ्लेक जो है उसका दूसरे के साथ कोई शक्ल मिलती नहीं, शुबाहत नहीं होती। तो ये जो सुपर कंप्यूटर ने ये कैलकुलेशन की है उसके मुताबिक जो चांसेस हैं कि एक स्नोफ्लेक दूसरे के साथ मिलता जुलता होगा, उसके चांसेस 1 मिलियन ट्रिलियन में, यानी कि अगर कहे ना कि 1 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन 100 ट्रिलियन 1000 ट्रिलियन 1 मिलियन ट्रिलियन में जाके एक चांस है कि एक स्नोफ्लेक दूसरे के बिल्कुल हूबहू उसकी शक्ल का होगा। ये कुदरत का कमाल है। हम लोग तो देखते हैं कि इंसानों के फुटप्रिंट जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं ये एक के दूसरे के साथ नहीं मिलते, या आंख की पुपल जो है वो कंप्यूटर उसको शनाख्त करता है कि एक का दूसरे के साथ कोई मैच नहीं करती। तो स्नो फ्लेक्स अल्लाह ताला का एक ऐसा करिश्मा है कि ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस में भी एक स्नो फ्लेक जो है दूसरे के साथ नहीं मिलता। अभी तक जो साइंसदानों ने, जो सुपर कंप्यूटर है, उन्होंने जो कैलकुलेशन की है, आइडेंटिफाई की है, वो मिलियन ट्रिलियंस में उन्होंने आइडेंटिफाई कर ली, लेकिन अभी तक कोई ऐसा चांस नहीं बना कि एक जो स्नो फ्लेक है दूसरे के साथ मिलता जुलता हो। बहरहाल, तो जब हम कुदरत में घूमते फिरते हैं, कुदरत के नज़ारे करते हैं, फितरत के नज़ारे करते हैं, तो इंसान की अकल दंग रह जाती है कि अल्लाह ताला ने क्या चीज़ें, क्या शाहकार बनाए हुए हैं। तो ये अभी ज़रा ज़्यादा सर्दी है, इसके क्रिस्टल नजर आ रहे हैं, थोड़ी सी धूप तेज होगी, धूप पड़ेगी थोड़ा, ये नरम होगी तो फिर इसके गोले बनेंगे, और हम गोले बना के फिर खेलेंगे इंशाल्लाह, और खाएंगे भी उसके ऊपर रूह अफ़ज़ा डाल के।